मॉर्निंग गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी एना हियर। तो गाइस, मैं तो गोवा से वापस आ गई हूँ। अभी आई बीन स्पेंडिंग टाइम हियर इन माय होम बाय माय सेल्फ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए माय सेल्फ, मेरे घर पे। एंड ऑल्सो आज मैं घर का व्लॉग करने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ आज के दिन में, मैं क्या खाने वाली हूँ, मैं क्या दिन भर करने वाली हूँ, वो मैं व्लॉग करूँगी। इतना कुछ खास नहीं, लेकिन जस्ट कुकिंग ज़्यादा मेन होगा आज। तो मैं बहुत समय बाद कुक करने वाली हूँ आज चिकन बॉयल, वही बेम्बो शूट वाला। बट मेरा खुद का रेसिपी है ये, मैंने खुद ही सोच के निकाला है। एंड मैंने आची को इनवाइट किया है लंच पे, हम दोनों साथ पे खाएंगे। तो हमारे आची को मिलाती हूँ। आची, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बहुत दिन बाद ना। अभी हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद खाना बना के खाएगा। इफ़ यू गाइस रिमेम्बर, ये है तमारा आची, बहुत अच्छा गाना गाता है। हम दोनों का बहुत ज़्यादा गाना भी आने वाला है ना आची, बहुत आने वाला। एक म्यूजिक वीडियो भी आएगा जिसमें हम आची का म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस होगा, लेकिन आई वोंट सिंग, लेकिन हम एक्ट्रेस होगा। बहुत जल्द आएगा, सुपर एक्साइटेड। बेसिकली आई एम गोना स्टे होम फॉर मे बी 10 days, और खुद को थोड़ा सा सेल्फ लव, मी टाइम, स्किन केयर, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा 10 हो गया आफ्टर बैक टू बैक ट्रैवलिंग। तो इसलिए मैंने सोचा अभी आई बी होम ओनली, और यहाँ का ही ब्लॉग्स आएगा मेरा। अभी कुछ एक दो चार पांच वीडियोस पूरा यहाँ का ही आएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो आज तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस चाय पीऊँगी। और मुझे अच्छी के साथ चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप लोग मेरा पूरा ना वीडियोस देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम दोनों बहुत चाय पे जाते हैं। सॉरी कंस्ट्रक्शन का साउंड। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी और उसके बाद मैं अपना कुकिंग चालू करेगा। और ये मैक्रम देख सकते हो, इतना सुंदर लग रहा है मेरे पीछे, फ्रॉम गोवा। थैंक यू भैया जी गिफ्ट करने के लिए। सलमान भैया वहाँ पर अरांबोल बीच पे, वहाँ पर उसका दुकान है, वहाँ से देखिए ज़्यादा। जस्ट माई फ्रिज लोडेड विद गोवा मैगनेट। अच्छा, मेरा फ्रिज देख सकते हो आप लोग, पूरा लोडेड है बहुत सारा सामान, क्योंकि आई एम गोना बी लाइक होम फॉर मोर देन 10 days, तो इसीलिए पूरा लोड कर लिया मैंने। अभी मैं पहले चाय बनाऊंगी। मेरा घर कैसा है? आपका घर तो फर्स्ट क्लास, इधर आने से पहले लाइक फार्म हाउस में आया है हल्ला गुल्ला है ना माहौल। माँ बच्चा को पीट रहा होता, बच्चा को हला गुला। मेरा घर बहुत ही मतलब सिटी में है मेरा घर भी, लेकिन फिर भी थोड़ा अंदर मतलब सोसाइटी का पीछे में है, तो बहुत ही शांति है मेरा घर जो है। फार्म हाउस वाइब आता है, पूरा शांति है। और आची को आना यहाँ पर बहुत पसंद है। ये देखिए मेरा चाय, टाइगर चाय के साथ हम खाएगा जिम जैम, मेरा फेवरेट बिस्किट। ये देखिए चाय बन रहा है, चाय तो बन रहा है। चाय मुझे कड़क पसंद है, इसीलिए मैं 2 महीने तक पूरा चाय उबालती हूँ, पूरा कलर जो है थोड़ा डार्क होने तक। तब तक मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लंच में मैं क्या बना रही हूँ। तो यह है चिकन, कल जो डंजो से मैंने मंगाया था चिकन, ऐसा मिलता है फ्रेश फ्रेश, बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद यह है बैम्बू शूट, और यह है किंग चिली, दिस इज कैबेज, कैबेज बॉयल सिंपल से बनाऊँगी। और यह है सरसों पत्ता, और यह है स्क्वाश, तो बहुत ही टेस्टी बनाऊंगी मैं स्क्वाश। और इसको बॉईल करूंगी, और इसको अलग से बॉईल, फिर चिकन को अलग से बॉईल बैम्बू शूट के साथ, बहुत ही टेस्टी होगा आज का लंच। अच्छी एक्साइटेड मेरा लंच खाने के लिए, सुपर। आपको पसंद है मेरा चिकन? अरे हमेशा, ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं, हमेशा पसंद करता है। अजी बहुत खुशी होते हैं हम जब लंच बना के उसको खिलाते हैं। सुपर, बहुत पसंद है उसको मेरा चिकन। ये अभी दोनों बनाएगा ना, एक को बनाएगा? अब बोलो, दोनों बनेगा ना, एक को बनेगा? एक ना, ठीक है। कैसे अच्छा है आची? एकदम फर्स्ट क्लास, गिर चुके लॉन्ग टाइम। ये कहां से पूरा चाइना बिना घूम कर आ गए? चाइना तो नहीं गया रे। चाइना घूम कर आए, उसके बाद फिर इंडिया का साउथ में श्रीलंका चले गए, झूठ बोलते हैं मसाला। उसके बाद जिम जिम बिस्किट और चाय खा रहा है।
हमने बिना चीनी और चाय पत्ती टेस्ट करके बनाया। Oh my God! मजा है। विश भी क्या मजा आता है। मेरा हाथ का चाय पीने वाला आदमी लोग बहुत लकी है। याम बनकर एक बार सब्सक्राइबर पूरा एक दो लाख जितना भी सब्सक्राइबर पूरा लेकर चाय पी लेगा। इधर कट्टा कर रहे हैं। चाय पी लेगा। अब पी लेगा। हाँ, हम पिला देगा भाई। I'm ready. आप लोग रेडी रहो, अच्छी चाय पिलाएगा बोला सबको। एवरी सब्सक्राइबर को वो करेगा, पिलाएगा। ऑल ओवर से सब्सक्राइबर का मजा होगा ना, पिकनिक जैसा। एक दो लाख लोग इधर कट्टा हो जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा? नहीं ऐसे अगर हम पार्टी करेगा तो गवर्नमेंट हमको बंद करेगा। जैसे वो था ना, देव आनंद को ब्लैक कपड़ा पहनना मना था ना। ना क्यों? वो ज्यादा हैंडसम होता है, तो लड़की लोग वो होता था ना, सुसाइड करता था। अरे ऐसे क्या? देव आनंद की स्टोरी आपको पता नहीं है? नहीं। हमको भी आजकल गवर्नमेंट बंद करेगा लग रहा है ब्लैक कपड़ा में। मार डालो मुझे। लड़की लोग हो जाएगा ना, सुसाइड करेगा तो। देव आनंद को सच में उसका स्टोरी ऐसे है। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बंद किया था कि तुम ब्लैक कपड़ा सूट पहन के नहीं निकल सकते ना, लड़की लोग को। ये फॉक्स न्यूज है ना, ये सही है, कमेंट सेक्शन में बताना। ये सच है ना, ठीक है, सब्सक्राइबर लोग भी बताएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है चीचा, एंजॉय करो। गाइस, मेरा चिकन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले मैं बॉईल करती हूँ, ये देखिए चिकन को थोड़ा बॉईल कर रही हूँ पहले, और इसको भी प्लेन वाटर में पूरा उबाल के पका रही हूँ। उसके बाद मैं फ्राई करने वाली हूँ। टमाटर, प्याज, बैम्बू शूट सब कुछ मिला के, किंग चिली सब कुछ मिला के फ्राई करूँगी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन बहुत टेस्टी होता है ये, मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया और बहुत टेस्टी निकला। फाइनली हमारा लंच रेडी हो गया, अभी हम खाएंगे खाना। तो ये है हमारा प्लेट, ये है मेरा प्लेट, ये है अच्छी का प्लेट। ये में गोभी बॉयल है और सरसों का पत्ता बॉयल राइस है। उसके बाद ये है चिकन बॉयल विद बेम्बू शूट विद पोटेटो एंड स्क्वाश, एंड ये है क्यूकम्बर, ये भी मेरा। खाएगा दमादम, कैसा लगा अच्छी? चलो अभी खाओ, अभी शुरू करो। अच्छी का मुखबंग दिखाएगा कैसा खाता है। चलो जी शुरू किया खाना, ये जाएगा मुंह में। चलो मुंह में डालना, उसके बाद बताओ कैसा है। OMG, कितना आउट ऑफ 10? डायरेक्ट 10 ना।
नमक वमक झाल स्पाइसी नहीं है नहीं, किंग चिली दो डाला हम टेस्टी ना इतना भी टीका नहीं। चलो खाते रहो अभी हम दिखाएगा कैसा टेस्टी से खाते है ये खाना चाहिए ना। Oh my God! टेस्टी बहुत मजा आ गया इतना भूख लग गया मजा इतने दिन बाद एक दिन एक्सरसाइज करने के बाद खुद को पतला हो गया बोल रहा गोवा से वापस आके कल एक्सरसाइज किया था ऐसा लग रहा है पतला ही हो गया पतला हो गया बोल रहा खुद को हड्डी तो कोई आ रहा सकता हम इधर सालों से एक्सरसाइज करके बैठा हुआ वाह ना कैसे लग रहा ना जी अच्छा वाह बढ़िया बढ़िया अच्छा खाई खाता हूँ फिटनेस नहीं बढ़ेगा लेकिन अच्छा जैसे स्लिम फिट हो जाएगा तो हेल्दी फूड ना बढ़िया खाने के बाद दो घंटे रेस्ट करो रेस्ट करके फिर एक्सरसाइज करते रहो फिर हम काम में जाके आता वापस हम दौड़ने जाएंगे आज I've started going for run, going for walk. तो ये मेरा सेकेंड डे होगा आज तो आज हम दौड़ेंगे मेरा वेट आज सुबह देखा था 51.30 हो गया Oh my God. Which is too much. मेरा वेट होना है 46 होना है कल 52 थे ना एक दिन वर्कआउट करके एक किलो घटने से लिफ्टिंग करने से डायरेक्ट 40 में पहुंच जाएगा भाई डायरेक्ट 40 हो जाएगा वाओ इतना टेस्टी है आई कांट बिलीव आई कुक सो गुड हां ना इतना टेस्टी है खा लेगा ना अच्छे से Hi guys, तो ये व्लॉग मैं दो दिन बाद कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वो वाला व्लॉग वहाँ पर मैं ख़त्म नहीं किया था तो आई थॉट ये वाला व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे तो मैं अभी आई हूँ यहाँ पर गोरेगांव पार्क में प्रेम्स कैफे में आई हूँ यहाँ पर सुशी बहुत अच्छा मिलता है तो माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी तो हम दोनों एक साथ आए यहाँ पर खाने के लिए आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू टू यू ऑल टू माई फ्रेंड फर्स्ट टाइम इन माई चैनल सो शी इज़ फ्रॉम ओडिशा एंड सच अ क्यूट फ्रेंड हम दोनों का फ्रेंडशिप कैसा हुआ थोड़ी देर बाद बताती हूँ हाय हाय कैन यू प्लीज इंट्रोड्यू योर सेल्फ टू माई ब्लॉग फर्स्ट टाइम आई एम सृष्टि एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड आई एम एट एलाइव यूनिकॉर्न एंड लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स वेरी गुड फ्रेंड्स या वी आर हियर ऑन अ सुशी डेट तो शी सेड यहाँ का सुशी उसको बहुत पसंद है एंड शी इज़ बीन क्रेविंग फॉर सुशी तो मैंने बोला ठीक है चलो लेट्स गो तो अभी हम लोग देख रहे हैं आई विल शो यू गाइस व्हाट वी आर हैविंग प्रॉन टेंपुरा हाफ एंड क्रिस्पी टूना सुशी हाफ दिस इज़ द वाइब हियर इन दिस प्लेस सो गुड आई लव द वाइब ऑफ दिस कैफे सो गुड गाइस हमारा सुशी आ गया है This is crispy tuna और ये है brown tempura. Yay! If you guys want to have like best sushi here in Pune, तो Prem's is the best place, na? Yes. Suggested by my friends, Fresh. sushi. Swig है. Swig के अंदर side में Prem's है. So yeah. Let's try now. Why don't you start? You want me to start? Yeah. Ooh la la, looks so good. Dip it in soy. Damn, good, na? Good? Okay. So good, guys, so good. अगर आप लोगों को पता नहीं है सुशी कहाँ पे बेस्ट मिलता है दिस इज द प्लेस गाइस नो प्रमोशन सीरियसली पर्सनल एक्सपीरियंस सो गुड दिस वन मस्ट ट्राई तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा था ना इससे पहले
I like prawn tempura. This one? But, huh. I have just tried this one. Now I'll try this. I love it so much. Yeah. 9 out of 10. What a spicy hai ye wala. Ye wala. I know, right? Damn good. सबसे पहले बात तो ये जो क्रिस्पी वाला है ना ये और भी ज़्यादा टेस्टी बना देता है क्रंची क्रंची हो गया सो गुड या इस विदिन टू मिनट्स हमने खा के खत्म कर लिया इट वाज सो गुड सीरियसली लाइक डैम गुड ना सो गुड तो हमने एक्चुअली कम ऑर्डर किया था हाफ प्लेट ऑर्डर किया था तो फोर पीसेस मिला था हम दोनों को तो हम दोनों खा लिया तो अभी फिर से हमने चिकन वाला ऑर्डर कर रहा है क्या क्या बोला था क्रिस्पी चिकन दिस इज टोबा एंड जैन चिकन एंड डायनामाइट चिकन ओके लेट्स सी अब लाइक वन इज स्पाइसी एंड द वन अदर वन इज आई डोंट नो व्हाट इट इज माइल्ड होगा शायद सो लेट्स सी कैसा होगा ओह माय गॉड सो गुड गाइस सेकंड शॉट ऑफ सुशी ये है टोजान चिकन सुशी और ये है चिकन डायनामाइट वाओ लेट्स ट्राई दिस नाउ टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ग्रेट फैन तो नहीं हूँ सुशी का बदन यहाँ पर सुशी इज़ सो गुड अभी तो आई थिंक इट्स माय फेवरेट एंड आई थिंक आई एम कमिंग विद श्रीश ओवर एंड ओवर अगेन फॉर सुशी राइट सो गुड बट पहला फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा था प्रॉन्स वाला ये तो चिकन वाला है विल ट्राई दिस आफ्टर दिस या सो फीलिंग ना ये देखिए एंट्रेंस कुछ ऐसा है दिस साइड इट इज स्वीट एंड इस साइड में जो है अंदर हाँ सब यू आर लीविंग इस साइड जाने से आपको मिलेगा प्रेम्स और ये साइड में देखो कितना सुंदर है आई सो कम हियर सो ऑफन चिल करने के लिए बहुत अच्छा है तो ये दोनों जो है रिलेटेड है दिस इज स्विग लेट्स गो दिस इज स्विग एंड दिस साइड इज प्रेम्स एक कोरेगा पार्क रोड यहाँ पर SBI बैंक है और ये साइड के ऑपोजिट पे दिस इज प्रेम्स रेस्टोरेंट बार कैफे एंड यहाँ पर एक कोटक बैंक है ये गेट के अंदर आप जाके खा सकते हो हम लोग अभी अपना ऑटो के लिए वेट कर रहे हैं वी लुक सो गुड आई लुक गुड आई लव ऑटो राइड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कार राइड से भी ज़्यादा टू व्हीलर से ज़्यादा ऑटो राइड इज लाइक मेरा फेवरेट क्योंकि चारों ओर खुला होता है और ज़्यादा वाइड एंगल से देखने भी मिलता है कॉपी राइड ये देखिए इस साइड से भी दिखता है आगे से भी इस साइड से भी तो बहुत अच्छा लगता है और चारों ओर से हवा आता है तो ऑल राइट गाइज एम गोना एंड द वीडियो हेयर आई होप आप लोगों को ये सिंपल नॉर्मल वीडियो अच्छा लगा थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड लीव अ कॉमेंट एंड बाय बाय गाइज सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो